बसमरिम वरुम वर्क़ु प्रॉफ़िट सेड के देर इज़ नो डाउट कि खतीजा रसलाना इज़ वन ऑफ़ दी बेस्ट वुमेन ऑफ हर टाइम और बहुत सी मुझे जाहिर है रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं टेल्स ऑफ एक्सेलेंस में साहबियात का भी जिक्र करूँ सो सहाबियात में वाई नॉट लेट स्टार्ट विद द वाइफ ऑफ़ रसूल वसल्लम जिनसे रसूल की लीनीत चली हज़रत फ़ातिमा और फिर हज़रत फ़ातिमा के अलावा बाकी जितने तो। भी प्रौसलम की जो औलाद थी सिक्स जिसका नंबर आता है और उसमें जाहिर है कि फिर हज़रत फ़ातमा से हज़रत हसन हज़रत हुसैन रजील तुम और क्या ही शान क्या ही दर्जात अमाना व तआला के सामने जैसे प्रॉफलम ने कहा ना कि कामिल ईमान हालाँकि मक्का में अभी ना नमाज़ का हुक्म आया ना हज का हुक्म आया ना ज़क़ात का हुक्म आया और ये सारे पिलर्स ऑफ फेथ हैं लेकिन इसके बावजूद कामिल ईमान कैसे हज़र खतीजा प्राफिट कह रहे हैं कि कामिल ईमान है खतीजा का देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा सलाह के बारे में कहा कि खतीजा वो ख़ातून है मेरी सौजा व ख़ातून है वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे तब मुझ पर बिलीव किया जब कोई बिलीव नहीं कर रहा था जिन्होंने तब मुझ पर ट्रस्ट किया जब मुझे लोग लायर कहते थे जिन्होंने मेरी तब फाइनेंशियल सपोर्ट की जब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की मदद चाहिए थी और जिनके थ्रू अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जो है वो दी और फिर खतीजा की क्या वजह ईमान कम्प्लीट करने की कि जैसे प्रोफेसर ने कहा ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जो हसन अखलाक पर है जिसका अखलाक बहुत ज़बरदस्त है आपको पता है कि खतीजा अस्लाना इवन बिफोर इस्लाम इवन बिफोर यू नो नोट बिकमिंग अ मुस्लिम शी वॉज नोन एज दाह अहिरा द प्योर लेडी और उनकी प्योरिटी मशहूर थी और ये बात हमें पता है कि वो दो बार शी वॉज अडो टॉइस और बहुत ही नोबल फैमिली से थी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत दिया था अमीर ख़ातून थी और जाहिर है कि शी वॉज अ बिज़नेस वोमेन और बहुत से लोग इससे कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि वुमेन कैन डू बिज़नेस यस ओब्वियसली अगर आपके पास कुछ पैसे हैं यू कैन वेरी वेल डू बिज़नेस बट जो एथिक्स और जो मॉडेस्टी इन्होंने दिखाई है वाइल डूइंग बिजनेस हम उसकी बात नहीं करते हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि शी वॉज अ बिज़नेस वुमेन देयर फॉर वुमेन कैन डू बिज़नेस हम आधी बात, बात करते हैं हम ये भी बात करते हैं कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद प्रपोज़ किया इसलिए लड़की ख़ुद प्रपोज़ कर सकती है किसी को भी और ये दलील लेके हम क्या करते हैं कि हम कहीं भी लोगों के सामने उस वीडियो को सपोर्ट भी करते हैं जब स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हैं सब सामने फूल दे रहे हैं और लड़की फूल दे रही है और हम ये कहते हैं कि यस औरत जो है वो प्रपोज़ कर सकती है बिल्कुल कर सकती है औरत बिजनेस भी कर सकती है लेकिन किस तरह इसमें हम बात नहीं करते हैं हम उस मॉडस्ट तरीके पे आते नहीं हैं जैसे प्रॉफिट व्लम ने इन्हें बेस्ट अखलाक वाला कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इनका जो टाइटल था वो ताहिरा था द मोस्ट प्योर लेडी ऑफ अर टाइम तो क्या माजरा है असल में डिटेल क्या है देखें जहाँ तक बात है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज ऑफ़र करने की फ़र्स्टली फॉर व्हाट रीज़न्स शी लाइट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोलली शी लाइट द करेक्टर ऑफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोलली शी एक्चुअली रिसर्च ऑन द करेक्टर ऑफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आ, पूछा करती थी लोगों से पूछा करती थी ख़वातीन के थ्रू पूछा करती थी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान हैं और जाहिर है कि जब इनका एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद की ये बात है पूछने वाली बात जब एक्सपीरियंस हुआ कि प्रॉफिट प्रोफिट ही वॉज़ चोजन बाय खदीजा अनहा इवन दो प्रॉफिट प्राफिट, आ, Salah, प्राफिट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिज़नेस का इतना ज़्यादा किसी और को भी चूज़ कर सकती थी अपनी बिज़नेस के जाहिर है कि वो मर्चेंडाइज ले जाने के लिए लेकिन शी शोड विजडम हेयर कि आई विल प्रेफ़र ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस एंड विजडम ओवर ऑल दी एक्सपीरियंस इससे हमें एक बात पता लगती है कि कैरेक्टर कभी भी आपको लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं कराएगा करेक्टर हमेशा आपको ऊपर ले कर जाएगा सक्सेस की तरफ ले जाएगा मैनी अ टाइम्स कैरेक्टर वाले लोग स्ट्रांग इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग सच्चाई वाले लोग ईमानतदारी वाले लोग बहुत ऊपर आ जाते हैं उन लोगों से जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों में अगर आकड़ है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लो है और उनमें बहुत नेगेटिविटी है एक्सपीरियंस एक जगह लेकिन करेक्टर ट्रेट्स एक जगह अगर ये चीज़ की कमी है तो वो लोग ऊपर नहीं आते सो प्रॉफिट सर को चूज़ कि हज़रत खतीजा ने अपने काफले के लिए मर्चेंडाइज़ को ले जाने के लिए शाम में सोलेली बिकॉज ऑफ हिज गुड वैल्यूज बिकॉज शी हेड हर्ड रियली गुड अबाउट रसूल एंड देन वन शी वॉन्ट टू मैरी रसूल्ला रीज़न उसके पीछे क्या थी करेक्टर क्या हम जिससे शादी करना चाहते हैं हम कह रहे हैं ना औरत प्रपोज कर सकती है किसको प्रपोज़ कर सकती है क्या अरे गेरे को क्या वो इमोशंस में आके किसी भी अजीब व गरीब किस्म के इंसान को सिलेक्ट कर ले इमोशंस में आके धोखे में आके और माँ बाप की बात ना माने और आगे से ये दलील दे के हजरत खतीजा ने प्रपोज़ किया था तो मैं भी कर सकती हूँ पूरी बात सुननी चाहिए पहली बात हजरत खतीजा ने मेरिली इमोशंस की बेसिस पे नहीं सेलेक्ट किया था रसूल अलग इट वाज़ like नॉट लाइक अ नाउज़बिला बॉलीवुड मूवी के इश्क में पागल हो गए हैं दो लोग और इस तरह से हो रहा है नाउज़िला नाउज़ बिल्ला ये जो रोमांस और ये जो लव हमें प्रॉफिट अलैहि वसल्लम और ख़दीजा के दरम्यान मिलता है इट इज़ प्योर इट इज़ द बेस्ट लव स्टोरी यू कैन एवर फाइंड इट इज़ सो प्योर बिकॉज द डिसीजन वॉज बेस्ड मैरिली ऑन वैल्यूज़ ऑन कैरेक्टर ऑफ़ रसूल अल्लाह सल्हल्म रसोल्ला वसलम ने भी यही देखा तो हालाँकि देखें उमर में डिफरेंस इवन दो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत खतीजा सत्ताईस साल की थी जब रसोल्ला पच्चीस साल की थी। let's follow the common opinion, के थे लेकिन लेट्स फॉलो द कामन ओपीनियन जो कि सबसे ओथेंटिक माना जाता है कि पंद्रह साल उनकी उम्र थी यानी इससे ये भी मिसाल सबित होती है कि एज डिफरेंस से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता सो so, पहली चीज़ कि उन्होंने इमोशन्स की बेसिस पर नहीं कैरेक्टर की बेसिस पे सेलेक्ट किया रियलिस्टिक बेसिस पे सेलेक्ट किया और फिर अप्रोच डायरेक्ट किया खुद जा के ऑफ़र किया अपने आप को मैरिज में या डिग्निटी के साथ किस को भेजा था अपनी आंट को भेजा था रसोल्ला सल्ला वसम से बात करने के लिए ख़ातून का भेजा था और नबी वम वॉज़ वेरी शाई और उनके चेहरे पर शाइनस आ गई थी एक तरीक़ा होता है प्रपोज़ करने का औरत बिल्कुल प्रपोज़ कर सकती है इनफैक्ट डायरेक्ट भी कर सकती है लेकिन डिग्निटी के साथ एक बहुत अच्छे तरीके के साथ और डीेंसी uh, के अलावा uh, ज़ाहिर है कि इमोशन से हट के थोड़ा सा रियलिस्टिकली ऐसी चीज़ों को देखते हुए कि जब आप अपने फैमिली वालों को बताएं कि मैंने किसी को सिलेक्ट किया तो एटलीस्ट वो ये ना कहें कि आप बिल्कुल ही पागलपन में या इमोशंस में किसी को सिलेक्ट कर बैठी हैं रादर वो ये अप्रिशिएट करें कि ठीक है इन्होंने बहुत अच्छे इंसान को सिलेक्ट किया क्योंकि वाकई ये इसकी वैल्यूज़ बहुत मशहूर हैं तो वी हैव टू कोड द कम्प्लीट थिंग फिर जहाँ तक बिज़नेस की बात है खतीजा सलाह हायर करती थी लोगों को लो आदमियों के साथ डील करने के लिए क्या वो ख़ुद आदमियों के साथ बहुत ज़्यादा डील करती थी वो ताहिरा थी प्योर थी परते का ख्याल रखती थी मॉडस्ट थी आ, हर एरे गरे के जाहिर है कि जैसे होता है ना कि बिज़नेस में आपको बहुत से लोगों के साथ डील करना पड़ता है हर एरे गरे से बात नहीं करती थी ही टू हायर पीपल तो ये बातें हम कोट करते नहीं हैं और बाकी बातें हम अपने फ़ायदे के लिए कोट कर देते हैं सो दैट इज़ रॉन्ग टू बिगिन विद सो नब, नबी नब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा से मारूफ़ ओपिनियन ही बता रहा हूँ पच्चीस साल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चालीस साल की हजरत खदीजा हज़रत खदीजा रजी अल्लाह त और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक भी नरेशन नहीं मिलती कि कभी इनमें आर्गूमेंट हुआ या कभी कोई जाहिर है कि ऐसी को कोई बदमज़गी वाला वाक़या कोई कोर्ट हुआ रादर इनकी मिसाल दी जाती थी अरब माशरे में कि वट अ ग्रेट कपल बिकॉज इट वॉज मेड फॉर द राइट रीजनस इसलिए नहीं दौलत की बेसिस पे नहीं या फॉल्स इमोशंस की बेसिस पे नहीं या डोपामीन रश की बेसिस पे नहीं था बल्कि प्रॉपर इमोशंस, प्रॉपर प्योर इमोशंस प्लस प्रॉपर रिसर्च प्लस वैल्यूज़ के बेस पे था दैट्स वाई यू विल नॉट सी के रसूल अलैहि वसल्लम और हज़रत हमें आपको कभी कोई आर्गमेंट नरेट कर हिस्ट्री uh, कि किताब में मिले कि जी आर्गोमेंट हुआ हो या हिस्ट्री किताब मिले हो कि कभी नाराजगी हुई हो वगैरह वगैरह द ग्रेटेस्ट थिंग विच वी कैन लर्न इस्पेली आवर मुस्लिम सिस्टर्स कैन लर्न फ्राम खतीजा सलाना इज़ लॉयल्टी अगर वन वर्ड में आप मुझसे पूछें कि वॉट इज़ द वन वर्ड यू विल यूज़ फॉर ऑल दिस रिलेशन एंड फॉर खतीजा सलाना इट इज़ प्योरिटी एंड लॉयल्टी जितनी सपोर्ट चाहे वो uh, फाइनेंशियल सपोर्ट हो चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो चाहे वो फिज़िकल स्पोर्ट हो चाहे वो दीन के काम में सपोर्ट हो जितनी सपोर्ट जितना ट्रस्ट खतीजा रलाहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती है यूजली क्या होता है कपल्स के दरमियान ट्रस्ट नहीं होता कभी खतीजा रसल्लाह ने नबी अलैहि वसल्लम को ब्लेम नहीं किया मिसाल के तौर पर जो वाक्य जमी लोनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कि फ़ियर की हालत में जिब्राइल इस्लाम को जब देखा फ़ियर की हालत में उतरे ग़ार से कहा कवर मी कवर मी और ख़दीर सल की गोद में आके लेट गए और ख़दियर सल ने उस टाइम ये नहीं कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी जाने की आप क्यों जाते हैं आपको ही पड़ी हुई है लोगों की क्या आपने ही सोचना है सबके बारे में अच्छा एक ऐसा जुमला नहीं कहा राधर वट शी सैड शी कंसोल्ड हिम एंट शी सैड कि डोंट वरी अल्लाह ताला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला विल नेवर लीव यू वाई बिकॉज आप मस्किनों का ख्याल रखते हैं आप गुरबा का ख्याल रखते हैं आप सच्चे इंसान हैं आप ऑनेस्ट हैं लोग आपको जानते हैं आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं आप नेक इंसान हैं इमेजिन ये जो सेंटेंसेज होते हैं ना जब आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करे और आपको वैल्यू करे देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट इन दिस वर्ल्ड आज दोज हुर मैरिड और जब आपका स्पाउस ही आपको मिसट्रस्ट करे और आपको अप्रीशियेट ना करे आपको ब्लेम करे तो ये भी एक बहुत बड़े दुख की बात होती है एक जुमला नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कभी मिसट्रस्ट किया हो कि आप क्यों लग गए इन कामों में हम अच्छे ख़ासे थे शीब अभी तालिब का वाक़ अमीर तरीन खातून जिनको पता नहीं क्या क्या खाने ज़ाहरा खाती होंगी अल्लाह ने नियमतें दी थी उनका रहन सहन कैसा था शीब अभी तालब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाती हैं उनको सपोर्ट भी करती हैं उनके साथ रहती हैं गुरबत भी बर्दाश्त करती हैं फाका भी बर्दाश्त करती हैं एक बार भी ब्लेम नहीं करती कि आपकी वजह से ये हो गया है या एक बार एक जुमला भी हमें नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी नाउज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला कि आप जो है वो दीन का काम करें यू विल फ़ाइंड नथिंग लाइक दैट रादर ऑल यू विल फाइंड इज़ के Uh, मोहब्बत वाले अल्फाज, स्पोर्ट वाले अल्फाज, यानी हद कर दी लॉयल्टी की तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड रसूल अलैहि वसल्लम जैसा हस्बैंड भी बनना पड़ेगा अब अगर कोई ये कहे कि वाइफ को खदीजा रसल्लाह जैसा होना पड़ता है तो फिर हस्बैंड भी तो देखे ना क्या स्पोर्ट और कितना लव और कितनी लॉयल्टी कितनी अटेंशन और कितनी रिस्पेक्ट और कितना वैल्यू करते होंगे खदीजा रजा को बहरहाल शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि अगर इसमें ट्रस्ट और लॉयल्टी ना हो तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है और अच्छे अल्फाज स्पोर्टिंग अल्फाज अप्रीशिएशन वाले अल्फाज आ, शैतान बड़ा इन्वॉल्व होता है ये शादी के चक्रों में ना शादी के मैटर्स में लड़ाई करवाता है बदगुमानियाँ फैलाता है एक दूसरे को सख्त जुमले कहलवाता है मिसट्रस्ट के जुमले कहलवाता है मिसकनसप्शन अराइज करता है गुस्से में हालांकि बोथ डोंट मीन दैट बट गुस्से में कह जाते हैं और उसके बाद मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं अवॉइड एंगर आपको एक भी वाक़ा नहीं मिलेगा खतीजाला या नबी व्म कभी एक दूसरे पर गुस्से हुए हों तो ये एक बहुत बड़ी बात है कोई ब्लेम गेम नहीं और अल्लाह के नबी नबीसम के लिए इवन दो शीवाज़ इनर फिफ्टीज़ गार हिरा में खाना ले जाया करती थी अल्लाह के नबी के लिए आउट ऑफ केयर आउट ऑफ लव रसूल सलम दो दो दिन तक सकलूट करते थे अपने आप को गिर हमें डाउट नहीं किया कभी कभी ये नहीं कहा आप गलत कर रहे हैं येस yes, कंसर्नड होंगी लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए कि उन्हें ब्लेम करें उन्हें डाउट या, या, या ये शो करें कि मैं आप पर डाउट रही, क्योंकि शी न्यू हर मैन हम अपने स्पाउस से दोस्ती नहीं करते हम अपने स्पाउस को अपने करीब नहीं करते अपना लिबास नहीं समझते अपना नहीं समझते इन वर्स केस सिनेरियो गैर समझते हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से डाउट्स अराइज़ होते हैं इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर कोई डिसीजन ले रहा है आपका स्पाउस तो यू शुड स्टैंड बाय हिम और हर तो ये जो सपोर्टिंग रोल है और जो अल्फाज़ कहा करती थी अल्लाह के नबी सल्हलम को इसीलिए जब्राहील आई एक बार अल्लाह के नबी सल्ह वसम के पास आए और कहा कि हेर इज़ योर वाइफ कमिंग टू यू विद फूड ये आ रही हैं आपकी बेगम आपके लिए खाना लेकर इनको कहें कि अल्लाह ताला आपको सलाम कर रहा है और इन्हें कहें कि जबरील आपको सलाम कर रहा है और इन्हें कहें कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे रहा है जन्नत में एक ऐसे महल की जो पर्ल्स का बना हुआ है जूल्स का बना हुआ है जिसमें ना कोई शोर होगा ना ही कोई डिस्ट्रेस होगा अल्लाह अकबर जब्राईल डायरेक्ट आके अल्लाह का सलाम पहुँचाते हैं और जब्राइल आलाम अपना सलाम पहुँचाते हैं और कहते हैं कि इनको जन्नत में एक महल की बशारत दे दें जहाँ कोई नॉइज़ और कोई डिस्ट्रेस कोई गम नहीं होगा वाई बिकॉज़ द रोल शी प्लेड इन हर मैनज लाइफ रसोल्ला वसम लाइफ नबी अक्रम सल्ला वसम ने कहा है कि जो औरत जिसका खामद उससे खुश है अब ये फेमिनिज़म की जो जो का जो कैंसर चल रहा है ना कुछ लोग उसको ना ले आए सीधी सी बात है आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें आप अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करें आप अपने हस्बैंड को अप्रीशिएट करें केयर जो केयरिंग नेचर औरत की नेचुरल है वो केयरिंग नेचर के साथ चलें एंड वाइस वर्सा ऑबियसली हस्बैंड भी एक अच्छा मैरिज इंस्टीट्यूट बनाएँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत जो अपने खामद को प्लीज करती है और जो पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ती है रोज़े रखती है वो जन्नत के किसी भी दरवाज़े से दाखिल होगी अल्लाह ताला कहेगा जिस डोर से दाखिल होना हो जाओ अब आप इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करते हैं बट दिस इज़ द रियलिटी घर बनता है माहौल से माहौल बनता है रवैयों से अगर रवैये अच्छे नहीं हैं अगर शिकायतों के पहाड़ हैं अगर सपोर्ट नहीं है लॉयल्टी नहीं है ट्रस्ट नहीं है नथिंग विल गो ऑन मैं इसीलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज मैरिज का इंस्टीट्यूशन बहुत बुरी तरह हिट हुआ एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट हज़रत अली रज़ी रज़ील्ल त एक वाक़ रिकॉल करते हैं कि जब नबी अकरबल वसम रात को उठा करते थे नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह के आगे क्याम करने के लिए कुमिल लैल, कुमिल्ल कलीला की जब वही आई ना हज़रत खतीजा उनके साथ उठा करती थी उनके साथ पढ़ा करती थी उनके लिए दुआ किया करती थी हज़रत अली तब बच्चे थे ना तो उनके घर में थे रसोल्ला वसम के और ये बात मैं आपको बताऊँ कि जब आपका स्पाउज़ आपकी तारीफ़ कर देना आपकी बीवी या आपका शौहर आपकी तारीफ़ कर दे और आपके बारे में बहुत तारीफ़ी कलमात का है तो इट मीन बिग थिंग ये बहुत बड़ी बात है जैसे खदीजा ने कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत नेक इंसान है आप गरीबों का मस्किनों का ख्याल रखते हैं यू टेक केयर ऑफ़ एवरी वन आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं वाई अल्लाह डिसक्रेस यू तो आप परेशान ना हो कुछ अच्छा ही आपके पास आने वाला एंड दिस इज़ बिग थिंग वैन योर स्पाउज एक्चुअली दे सपोर्ट यू सो वट एवर स्पोर्ट यू कैन थिंक ऑफ इमोशनल स्पोर्ट रिलीजस स्पोर्ट, फाइनेंशियल स्पोर्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट ही गॉड फ्राम इज़ वाइफ हु वॉज अ गिफ्ट फ्राम और आपको पता है कि नबी इकन सल्ला वसम हज़रत खतीजा रसतलाना का लॉस उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था शीब अबी तालब के बाद इमेजिन कि आपके स्पाउस को अल्लाह ताल तब अपने पास बुलाता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एविडेंटली उसकी जब हालात ऐसे बने हुए कि आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अल्लाह तब हज़रत ख़दीजा को भी बुला लेते हैं अपने पास और अबू तालिब को भी और प्रॉफिट प्रोफिट को फिर अल्लाह ये रियलाइज़ करवाता है कि ए नबी आई एम योर प्रोटेक्टर मैं हूँ तुम्हारा आई एम योर गार्डियन मैं तुम्हारा रखवाला हूँ मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्ट हूँ मैं तुम्हें सहाबा से सपोर्ट दूँगा मैं तुम्हें हर जगह से सपोर्ट दूँगा बट इट इज़ वेरी नेचुरल टू मिस यूर लव रसूल सल्हम साहबा कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ खदीजा ही डिट एंडाइल फॉर मंथ्स द मैन द मोस्ट स्माइलिंग फेस ऑन अर्थ ही डिड एंड स्मायल फॉर मंथ्स इतना गम हिट किया इतना हिट किया खतीजा की डेथ ने उन्हें नेचुरल है लेकिन सबर किया क्योंकि जन्नत की बशारती थी पता था एक दिन मिलना है मैंने खतीजा से रजी अल्लाह तह वन आफ द बेस्ट वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड और इतनी मोहब्बत खदीजा स्तलाना से हज़रत अक्सर एक बार ज़ाहिर है कि हज़रत नबीस से बहुत मोहब्बत करती थी और ये जो एक जाहिर है जब मल्टीपल वाइफ़ हों तो एक ख़ास किस्म की राइवलरी कह लें या एक ख़ास किस्म की ज्लिसी जो अल्लाह को पसंद है हदीस में आता है तो आउट ऑफ दैट ज्लेसी शी सटरसल्ला वॉट यू प्रेज अल्लाह स्मार्ला का शिक्री नहीं करते कि आपको ओल्ड वुमेन से एक यंग वुमेन मिल गई यानी अपनी बात कर रही थी अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि खतीजा जैसा कोई नहीं हो सकता शी सपोर्ट मी वैन पीपल लेफ्ट मी शी वॉज देयर फॉर मी वैन नो बडी वॉज देयर फॉर मी शी ट्रस्टेड मी वैन पीपल यूज़ टू कॉल मी लायर शी बिलीव इन मी वैन नो बडी एल्स बिलीव विद आउट क्वेश्चन एंड अल्लाह ब्लेस मी विद चिल्ड्रन फ्राम हर सो खदीजा जैसा कोई नहीं हो सकता और हज़रत आयशा ख़ामोश हो गए और आपको पता है कि रसोलस हज़रत आयशा कहती हैं कि जब कोई बकरी ज़िबा करते थे उसका गोश का कुछ हिस्सा खदीजा सलाना के फ्रेंड्स को भेजते थे उनकी फ्रेंड्स को भेजते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ही हैड फॉर खदीजा सलाना और एक इतना इमोशनल वाक़ है कि जंग बदर के मौके पर अलआस जो कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम का दामाद था हजरत ज़ैनब का जो शौहर था वो मुशरिक था जंग बदर के मौके में वो प्रिजनर ऑफ वॉर इमेजिन दामाद के साथ जो है वो ये मकालमा हो रहा है दामाद प्रिजनर ऑफ वॉर बन के आए बड़े कम लोगों को पता है और जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन के आए तो हजरत ज़ैनब रिसल्लाह ने इस्लामिक रूल्स के मुताबिक रैंसम यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स को छुड़वाने के लिए रैंडसम देते हैं नेकलेस भेजा और वह नेकलैस हजरत खदीजा का था, था। जो हज़रत खदीजा ने हज़रत जैनब को दिया था रसूल वसम नेकलेस को देख के इतना इमोशनल हो गए बीवी की याद आ गई अल्लाह अकबर इतना इमोशनल हो गया नेकलेस को देख के कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने साहबा से कहा कि अगर तुम लोग मानो इफ़ यू गाइस विल तो मैं अपने दामाद को यानी सेंस ही सौ द नेकलेस और उनका दिल पिघल गया मैं इसको भी वापस करना, करना चाहता हूँ नेकलेस को वापस करना चाहता हूँ यानी अपनी बेटी को साहबा ने कहा कि अरसुल्ला हम आपके आगे थोड़ी आर्ग्यू करेंगे लेकिन देखें उन्होंने पहले पूछा क्योंकि इस्लामिक साहबा ये ना सोचते कि यार बाक़ियों से तो रेंसम लिया इनसे क्यों नहीं लिया पहले पूछा कि अगर तुम लोग मुनासिब समझो तो हम ऐसा कर लें दिस वॉज द इमोशन द लव ही हैड फॉर खदीजा सलाह और खदीजा सलाह की जो बहन थी उनकी एक बार आवाज़ आई नबी सल वसल्लम को तो एकदम चौंक उठे और एकदम जो है वो पुकारने लग गए कि मुझे खदीजा की याद आ गई मुझे खदीजा की याद आ गई बिकॉज उनकी वॉइस बहुत सिमिलर थी खदीजा अजला अच्छा। से तो ये जो बातें हैं ना कि कैसे कैसे दुख हमारे नबी ने देखे और कैसी स्टोरीज़ हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में मौजूद हैं जिनसे इतना कुछ हमारी ख़वात सीख सकती हैं हम मर्द सीख सकते हैं मैरिज का इतना ब्लसड इंस्टीट्यूट हमारे सामने मिसाल मौजूद है हजरत खतीजा और नबी अक्रम सल वम का हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि उन्होंने कैसे प्रपोज़ किया वो बिजनेस वुमेन थी कैसे बिज़नेस करती थी उन्होंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया रसूल्ला को काश हम उनकी सीरत को पढ़ें काश हम इनको अडॉप्ट करें काश हमारी बच्चियां हमारी औरतें भी ये चाहें कि वो भी ताहिरा के नाम से मशहूर हों पाकीज़ा औरतों के नाम से मशहूर हों काश उनके आइडियल्स पाकीज़ा औरतें हों बजाय के सेलिब्रिटीज़ जिनका लाइफ स्टाइल आपके सामने अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे अल्लाह ताला इनके लिए Uh, इनके दिल खोले सेलेब्रिटीज़ के इनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए सो प्लीज़ रीड द सीरा इन डिटेल ऑफ हजरत खदीजा असलान एंड लव हर सपोर्ट ऑल दी सच कैरेक्टर्स दी टेल्स ऑफ एक्सेलेंस सीरीज़ किस लिए कि हम इन लोग को प्रमोट भी करें इनको अपना आइडियल भी बुलाएँ अल्लाह तब सब को हमें सहाबा के साथ जन्तलफिरदस में जगह अता फ़रमाएँ एंड दैट कैन ओनली कम वैन यू लव दैम वन यू रेवर दैम and when you follow them so with this inshallah see you in the next episode till then take care jazakallah khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh